हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रिंस कुमार, आज हम आपको बताएंगे कि प्रॉपर्टीज़ का कैसे यूज़ करते हैं ऑटोकैड में। हम कोई भी ड्राइंग बनाते हैं उसमें प्रॉपर्टीज़ का यूज होता है। हम उस प्रॉपर्टीज से उस ड्राइंग की प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं, उसमें कुछ एक्सचेंज कर सकते हैं प्रॉपर्टी के ज़रिए से। अगर हम प्रॉपर्टीज़ को जान लेते हैं तो हमारी काफ़ी हेल्प होती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि प्रॉपर्टीज़ का कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, और प्रॉपर्टीज से हम क्या क्या ड्राइंग में चेंज कर सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं। लेकिन कि प्रॉपर्टी होती क्या है, सबसे पहले तो ये कि हम प्रॉपर्टी को यूज क्यों करें, और ये हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलो चलते हैं हमारे ऑटोकैड के वर्क स्पेस पे। जैसे हम ऑटोकैड के वर्क स्पेस पे आते हैं तो हमारी ये ड्राइंग दिख रही होगी आपकी। ये 2D एलिवेशन ड्राइंग है जो एक हाउस प्लान की है ये। ओके, तो आपको हम देखते हैं प्रॉपर्टी का ऑप्शन। ये हमारी एक प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन है। इसमें आप देख सकते हो कि इस प्रॉपर्टीज़ का यूज हम अपने ड्राइंग में कैसे करते हैं। इसको यूज करने के लिए हमें बहुत सारे उसमें जाना पड़ेगा और हम इसको यूज कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं कि हम प्रॉपर्टी का यूज करने के लिए देखें, हम ये प्रॉपर्टीज ऑप्शन है इसमें देखेंगे। सबसे पहले जो लिखा है वाई लेयर, मतलब वाई लेयर ऑब्जेक्ट कलर, इसमें बता रहा है। अगर इसमें आप माउस को कर्सर पैनल को छोड़ दोगे उसमें बताएगा प्रोवाइड ए चूज ऑफ कलर। आप कोई भी लाइन ड्रॉ कर रहे हो, कोई चीज़ आपने ड्रॉ की है, आप उसका चेंज कर सकते हो कलर। जैसे हम देखते हैं हमारे पास इसमें ये डोर है। ओके, ये डोर है, ठीक। हम इसका कलर चेंज कर दें, सारा कलर चेंज कर दें, रेड कर दें हम। ओके, ये देखिए, ये हमारे डोर का कलर रेड हो गया। ये हम ऐसे प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। जाना आपने कि ये हमारा कलर कैसे रेड हो गया। अब हम देखते हैं ये हमारी विंडो है, इसका कलर हम रेड ना करके हम इसका कलर हम येलो रख लें। ओके, देखिए ये हमारी जो लाइन है, हैचिंग इसमें यूज हुई है वो पूरी येलो नहीं हुई है, बट जो हमारी लाइन ड्रॉ हो वो प्रॉपर्टी को उसने फॉलो किया है और येलो कर दिया है। ओके, जैसे आपने देखा कि ये आपका ये चीज़ आपकी येलो हो जाएगी, जो हैचिंग है वो आपकी हैचिंग ऑलरेडी है। ओके, आप इसको क्या बोलते हैं, येलो रखना है आपको, येलो रखना है। ओके, आपने देखा ये, आप ये वाइट मेरा हो है तो हम इसका बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं। ऑप्शन में जाकर इसका वर्क स्पेस को हम इसका ब्लैक कर लें, इससे हमारा और सही से देखेगा। कलर में आएंगे और यहाँ से कलर को चेंज कर ब्लैक कर लेंगे और अप्लाई करेंगे, क्लोज कर देंगे। ओके, आपने देखा ये चीज़ आया आपका, हो गया। देन इसी हिसाब से आपको ये वाली डोर का कलर और दूसरा चेंज करना है तो आप यहाँ से जाके प्रॉपर्टी में जाके आप यहाँ से ब्लैक करके इसका ग्रीन कर सकते हो। ओके, इस हिसाब से हम प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, ठीक है। अब आपने इसमें प्रॉपर्टी में जाना, कलर बाई लेयर ये होता है, बाई ब्लॉक ये होता है। ब्लॉक में करना चाह रहे हो, बाई लेयर में करना चाह रहे हो। ओके, अब आपने इसमें जाना कि आपने ये प्रॉपर्टीज़ का यूज हम कलर में भी कर सकते हैं। हम कलर डिफरेंट ऑब्जेक्ट को, पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके हम एक कलर दे सकते हैं। जैसे हमने ये पूरा ऑब्जेक्ट है इसको सिलेक्ट किया, देन इसमें कलर में गए और हम इसको पूरे को रेड कर दिया। ओके, सिर्फ ये देखिए, पूरे प्रॉपर्टी एक साथ में हमने पूरे प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया। जो हमारे डिफरेंट कलर थे हमने एक साथ में उसको सिलेक्ट करके उसका कलर चेंज कर दिया। ओके, अब इसको देखते हैं एक बार और, आप खुद दिखा दें हम कि इसमें वाइट कलर में जाके आप इसका कलर ग्रीन में कर सकते हो। ये देखिए, पूरा प्रॉपर्टी एक साथ में हम प्रॉपर्टी का यूज कर कर ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देखते हैं, अब हम जानते हैं कि जैसे आप प्रॉपर्टी में, अब बाई लेयर का मतलब ये होता है कि ये जो हम लाइन को ड्रॉ करते हैं ये लाइन का वेट को इंक्रीज करती है, कि हम अपनी जो लाइन ड्रॉ की है उसका वेट को, लाइन वेट को कितना रखना है आपको, या तो वाई लेयर में या वाई ब्लॉक में या डिफॉल्ट कलर में लाइन को मतलब वेट रखना है। कोई वेट नहीं होता है, 0.mm में, ये mm के हिसाब से चलेगा। कि हम ज़्यादा जब कोई लाइन को ज़्यादा ही वेट लाइट वेट में दिखाते हैं तो हम यहाँ का यूज कर सकते हैं। जैसे हमें ये चीज़ है, ये हमने सेलेक्ट किया, देन इसमें गए
अब इससे हम इसका ये सेंटर रख लें, बट हमारा ये चीज़ हो तो गया है, बट इसको प्रिंट करेंगे तब ये पता चलेगा हमारी। जैसे हम ये सर्कल है, एक सर्कल हमने ये ड्रॉ की एंड एक सर्कल और हम ड्रॉ कर लें, ये सर्कल ड्रॉ की हमने, इसका जो लाइन वेट है वो हमने रख लिया 0.05। ओके, जो दूसरी है उसका हमने लाइन वेट रख लिया, इसका लाइन वेट रख लिया 2.11। ओके, अब ये अभी तो पता नहीं चलेगा आपका, जब आप इसको प्रिंट करोगे तब आपको पता चलेगा। चलो हम इसको साथ जान लेते हैं, कंट्रोल पी करके हम इसको प्रिंट करते हैं और इसका रिव्यू देख लेते हैं DWG, और इसको कितना हमको प्रिंट करना है। विंडो में जाके हम यहाँ से ऑप्शन सेंटर में ला के हम इसका रिव्यू देख लेते हैं। जैसे रिव्यू देखते हैं, देखिए ये हमने कुछ पॉइंट में रखा था लाइन वेट, इसका कुछ ज़्यादा है, आप यहाँ से देख सकते हो इसका कम है इसका ज़्यादा है, इस हिसाब से हम इसका लाइन वेट ड्रॉ करते हैं। एक चीज़ और आप इसको दिखा देते हैं हम आपको, जैसे एक वाइल लाइन वेट रख लें बिना लाइन वेट की इसके अंदर। ओके, अब इसको प्रिंट करके देखते हैं तो आपको और क्लियर समझ में आएगा। कंट्रोल पी विंडो DWG एंड डिस्प्ले देन रिव्यू देखते हैं, देख लीजिए इसका लाइन वेट कम है इसका कम है, ये वाइल लाइन वेट है इसका कुछ ज़्यादा है, जिस टाइप से हम इस लाइन वेट को यूज करते हैं। ओके, आपने देखा कि ये प्रॉपर्टी में कलर भी देख लिया और इसका लाइन वेट भी देख लिया प्रोवाइड। अब इसके बाद हम देखते हैं वाई लेयर, वाई में लाइन टाइप, हमने लाइन वेट देखा और लाइन टाइप देखा। अब लाइन टाइप का मतलब क्या होता है कि हम, आपने देखा कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर है। ओके, ठीक है, आपको क्या करना है, इसका लाइन टाइप चेंज करना है कि आप कहाँ से इसको कैसा रख सकते हो। आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे आपने इसको क्या बोलते हैं इसको सिलेक्ट किया जिसको चेंज करना है और इसमें बाई लेयर में गए, उसके बाद अदर में जाके आप यहाँ से लोड कर सकते हो। लोड में ऑप्शन जाके आपका कौन सी लाइन रखना है, आपको ये रखना है कि SSS ओके करेंगे और देन ओके करेंगे। अब यहाँ से सिलेक्ट करके बाई लेयर में आएंगे और इसको वैसे रख लेंगे। देखिए आपका उस हिसाब से आपकी ये लाइन ड्रॉ होगी। एक एज आप मान सकते हो इसको, आप इसको मान सकते हो कि एक फ्रेम के नामा आपकी ये लाइन ड्रॉ हो चुकी है। हो गई, अगर आपको इसको और फ्रेम के टाइप की ड्रॉ हो गई, अगर आपको डिफरेंट जगह हम ऐसी चीज़ों को यूज कर सकते हैं लाइन टाइप को। अब जैसे आपने देखा इसको भी चेंज करना है, इसको भी हमने पहले सेलेक्ट करके इसको करेंगे। देखिए ये हमारा सिलेक्ट हो गया ना। अगर आपको ये नहीं रखना है, आपको और कुछ रखना है इसमें, जैसे हमारा एक, देखिए हमारा ये लाइन ही टाइप सेलेक्ट है, बाई लेयर करेंगे और इसके बाद क्या बोलते हैं इसमें एक सर्कल और बनाएंगे, हम एक सर्कल बना के इसका लाइन टाइप और दूसरा चेंज करते हैं, फिर दूसरा लोड करते हैं। यहाँ से हम लोड में जाएंगे, हमें जो सा चाहिए आपको यहाँ से लोड कर सकते हो, जैसे SS का चाहिए, इसको हमने ओके किया देन ओके किया, हमारे यहाँ से लोड हुआ। अब यहाँ से हम सेलेक्ट करके इसको लोड कर सकते हैं। SS कहाँ गया, गैस, ये देखिए ये हमारा गैस 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 गैस, इस टाइप से हमारा लाइन टाइप सेलेक्ट हो गया। ओके, अब इसको आपको कलर भी चेंज करना है तो जाके आप इसका कलर वाई लेयर में, कलर में जाके आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। ओके, देखा आपने किस हिसाब से आपकी डिज़ाइन ड्रॉ हो गई है और बन गई है, हम कैसे कैसे हम इसका यूज करते हैं। अब आपने देखा कि जैसे आपका ये चीज़ हो गया, आपने ये एक और रेक्टेंगुलर बनाया, ड्रॉ किया, ये रेक्टेंगुलर ड्रॉ किया, यहाँ से अपलोड किया, ये तो नोट किया, अदर में जा गए, यहाँ से आप अपलोड कर सकते हो, अपलोड के यहाँ से आपने अपलोड कर लिया। ओके, इसको अपलोड किया और देन ओके कर दिया। अब यहाँ सेलेक्ट करके आपका ये डॉट डॉट हो जाएगा, ये डॉट डॉट या तो ये डॉट डॉट, इस टाइप का गैस का हुआ है अभी, सॉरी गैस में ना करके इस ये डॉट डॉट का दिख नहीं रही होगी, आप इसको जूम करोगे तब आपकी नज़र आएगी कहाँ है। ये हो चुकी है बट ये जूम की वजह से आपको दिख नहीं रही है, बहुत ज़्यादा उस थिक पॉइंट हो गई है। इस टाइप से आप प्रॉपर्टी का यूज करते हो यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको इसको मतलब जैसे हमारा ये कलर है, इस कलर को चेंज करना है, यहाँ से हम कलर वाइट कलर भी कर सकते हो। ओके, वाइट में हो जाएगा,
अगर आपको ये हमारी डिज़ाइन है, ये वाई लेयर भी कर सकते हो, वाई लेयर ओके, ये भी कर सकते हो आप कि हम ओरिजिनल फॉर्म में अपने ला सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये प्रॉपर्टी का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है तो आप क्या कर सकते हो, उसका डायरेक्ट जाके यहाँ से कोई भी जिसकी प्रॉपर्टी इसको करना है, इसमें जाके आप उसकी नीचे ऑप्शन में आओगे। जैसे हमें इसकी रेक्टेंगुलर की प्रॉपर्टी को शो करना है कि हम इसको कैसे शो करेंगे, देखेंगे कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो इसमें जाके प्रॉपर्टी में जाएंगे, प्रॉपर्टी ऑप्शन का एक टूल ओपन होकर आएगा, वो उसको पूरी क्वालिटी दिखाएगा आपको कि इसका जो कलर है वाइट है। आप यहाँ से भी इसके कलर को चेंज कर सकते हो डायरेक्ट, और इसका जो लाइन टाइप है ये है, लाइन वेट इतना है, प्लॉट वाई कलर है, लाइन ये है, इस टाइप से हमारा ये पूरा पूरा एक्सेस कर सकते हो। आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो, इस ओनली लाइन का ही प्रॉपर्टी आपको ओपन हो जाएगी। जैसे आप लाइन की प्रॉपर्टी का मतलब आपकी वैल्यू क्या है, आपकी वैल्यू का मतलब समझा, जैसे आपका ये है, आपने इसको सिलेक्ट किया, इसकी पूरी प्रॉपर्टी देखना है, ये देखो इसकी ग्रीन है, आपने पूरी इसकी पूरी ग्रीन है प्रॉपर्टी इस टाइप से, कि आप किसी की वैल्यू को यहाँ पर शो कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी है, आप उसकी बारे में जान सकते हो, ठीक है। आज के लिए हमने प्रॉपर्टी को जाना और समझा। अगर आपको इस प्रॉपर्टी में और कोई डाउट आते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके हमसे कमेंट में बात कर सकते हैं, उसमें टाइप उसमें बोल सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम है हमसे डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं।